एमपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिसमें आप फ्री में डिजिटल आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं बिना किसी को एक रुपए इन्वेस्ट किए हुए, बिना किसी को एक रुपए दिए हुए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको डिजिटल आय प्रमाण पत्र विद इन वन डेज कैसे बनाते हैं ये पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से डिजिटल आय प्रमाण पत्र नई वेबसाइट में बनाना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जब आप उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। mpdistrict.gov.in की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी अदर जिले से बिलोंग करते हैं तो आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, या फिर अगर आप मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप टाइप करेंगे यूपी ई डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने edistrict.up.gov.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चूंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए मैं मध्य प्रदेश में आपको एप्लीकेशन करके बताता हूं। यहां पर आपको एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आपको नहीं पता कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और लॉगिन कैसे करें, तो आप हमारी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से उसे देख सकते हैं, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहां स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहां पर जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहां पर आपका नाम शो होने लगता है। यहां पर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहां पर आपको मिलेगा आय प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहां पर आप चार प्रकार से एप्लीकेशन कर सकते हैं। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जहां पर आपको 30 रुपये लगेंगे, CSC के माध्यम से 30 रुपये लगेंगे, ऑनलाइन आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो यहाँ पर स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें आय का उल्लेख किया गया हो, बस आपको एक ही डॉक्यूमेंट देना है। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फॉर्म आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी। जब आप उस OTP को वेरीफाई करते हैं, आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डालते हैं और OTP फिल करते हैं। OTP वेरीफाई करने के बाद ये ऑटोफिल सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर आपका मोबाइल, यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर जेंडर सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर व्यवसाय, तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी है, कृषक है, व्यवसायी है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। अगर आपका गरीबी रेखा कार्ड बना हुआ है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। मेरा बना हुआ है, मैं हाँ करता हूँ। यहाँ पर आपको माताजी का नाम अपने फिल करना है। यहाँ पर पिताजी का नाम फिल होता है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल होता है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल हुआ मिलेगा। क्या आप शिक्षित है, तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सेवा जिन स्थान से संबंधित है, सेवा प्रदायकर्ता अधिकारी, तो यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको जिस जिले पे रहते हैं, जो जिला आपका सर्किल लगता हो, आप उसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा कटनी लगता है, कटनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से तहसील सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्षेत्र सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से शहर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना वार्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको परिवार की वार्षिक आय डालनी है। जितने का भी आप बनवाना चाहते हैं आप यहाँ पर फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर 40,000 का बनवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 40,000 फिल कर दिया। इस आवेदन के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, अगर आपके पास इसके पहले कोई आय प्रमाण पत्र है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या आप कुरियर से सर्टिफिकेट चाहते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना होता है, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज स्वयं का घोषणा पत्र है, तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये स्वयं घोषणा पत्र, यहाँ पर एक दिया गया है फॉर्म, आपको इसे फिल कर देना है। जैसे कि मेरे नाम ग्राम, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको मेरे गृह संपत्ति वार्षिक आय, तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है 40,000 रुपये, जितना भी आप बनवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप सदस्यों की जानकारी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर सदस्यों की जानकारी दे सकते हैं। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर सत्यापन है, यहाँ पर सबमिट पे एक ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट फॉर्म इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद
यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर माता का नाम सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्नोलेजमेंट पे क्लिक करेंगे, एक्नोलेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्नोलेजमेंट शो होगा। यहाँ पर आपको इस रिसिप्ट को प्रिंट करके रख लेना है। यहाँ पर निश्चित की गई समय सीमा आपको 8/3/2021 यानी कि 8 तारीख को आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब आपको इसे चेक कैसे करना है, आपका ये जो एप्लीकेशन है इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पर आपको अपने आवेदन की स्थिति देखनी है, यहाँ पर नीचे आएंगे पंजीयन क्रमांक से, यहाँ पर आपको उस पंजीयन क्रमांक को पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा ये दिया है इसे हम करते हैं। इसके बाद आपको खोजे पे क्लिक करना है। खोजे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभिस्वीकृति, संलग्न सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर निराकरण की स्थिति जब आपका बन जाएगा तो 8 तारीख को यहाँ पर निराकृत शो होने लगेगा। एक टैब यहाँ पर जुड़ जाता है प्रमाण पत्र का, जब आप प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आय प्रमाण पत्र शो होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि डिजिटल आय प्रमाण पत्र एक दिन के अंदर बिना किसी को पैसे दिए फ्री में कैसे बनवाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।